खगड़िया जिले के बीर सिंहपुर पाली लोकसभा केंद्र में आधार कार्ड सुधारने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। पाली तहसील के लोकसभा केंद्र में ऑपरेटर द्वारा अपडेट आधार कार्ड बनाने के नाम पर 200 से 400 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मंगलवार को शुभम पांडे ने पाली तहसीलदार को शिकायत की। वार्ड नंबर 13 निवासी हूँ मैं। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाया था लोक सेवा केंद्र पाली में। मैंने मिस्टर स्वप्निल शुक्ला को अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिया था। इसके बाद उन्होंने मुझसे 200 रुपये दो बार एक्स्ट्रा चार्जेस लिए। मैंने फिर भी दिया लेकिन मेरा फॉर्म जो है बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था। मैंने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने बोला कि आप नगर पालिका चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, और उन्हें कुछ चीज़ें बताई हैं कि बोले कि आप उस लेके आइए, इसके बाद आपका आधार कार्ड सुधारा जाएगा, और मेरे से बार बार एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। और मैंने उनसे बोला कि आप जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए वापस करिए, तो बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो हमारे चार्जेस से वो वापस नहीं होंगे। कितने रुपए आप दे चुके हैं? 400 रुपए दे चुका हूँ, 200 दो बार। क्या इसकी शिकायत यहाँ के किसी अधिकारी से है? यहाँ के अधिकारी सुनते ही नहीं है। तो क्या कुछ चाहते हैं आप शासन के पास? शासन द्वारा मैं चाहता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इस मामले में तहसीलदार ने आधार केंद्र पहुंचकर खुद जांच करने की बात कही। जी, इस संबंध में जानकारी आपके माध्यम से और ये शिकायतकर्ता भी आज मेरे से संपर्क किए हैं, तो इनकी बातों को मैंने सुना है। अभी मैं इस शिकायत के संबंध में वहाँ उचित जांच करूँगा या मैं स्वयं जाकर देखूँगा, और जो भी वस्तु स्थिति होगी लोगों को इस सुविधा से आसानी से लाभ प्राप्त हो, सरकार का यही उद्देश्य, हमारा यही उद्देश्य। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि डेट ऑफ बर्थ परिवर्तन कराने के लिए 200 से 400 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि करेक्शन कराने के नाम पर 500 रुपए लिए जा रहे हैं। यदि कोई विरोध करता है तो उसको यहां से टरका दिया जाता है। हालांकि अब तहसीलदार के आश्वासन के बाद देखना होगा कि कार्रवाई होती है या मामला ठंडे बस्ते में बंद कर दिया जाता है। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।